आपने गूगल की कुछ वेबसाइट पर विजिट करते हुए कुछ इस टाइप के कैप्चास को तो देखा होगा। इनको क्यों भरा जाता है, तो चलिए आज की वीडियो में इसको जानते हैं। दरअसल इन कैप्चास का यूज एक इंसान और रोबोट के बीच के फर्क को जानने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर रोबोट का मतलब कि कुछ इस टाइप के फिजिकल रोबोट से नहीं होता है। मान लो कोई शॉपिंग वेबसाइट कोई ऑफर चलाती है जिसमें वो बताती है कि कल 12 बजे आपको iPhone 12 Pro Max केवल और केवल 10,000 रुपए में मिलेगा। इस कंडीशन में कोई नॉर्मल यूजर 12 बजे वेबसाइट पर जाएगा, दो चार फोन बुक करेगा, और ऐसा करने में उसको कम से कम 10 से 5 मिनट जरूर लगेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रोग्रामर होगा तो वो कोई एक ऐसा कोड तैयार कर देगा जिससे कि सेकंड्स में सैकड़ों फोन बुक हो सकें। ऐसे में एक सुविधा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कैप्चास का यूज किया जाता है, जिसमें कि हर बार एक नया कोड आता है जिसको कि एक ह्यूमन ही पढ़ सकता है। और अगर कोई इस टाइप का रोबोट इस काम को करने की कोशिश करता है तो उसको एक इंसान के जितना ही टाइम लगेगा, जिसके चलते कोई भी स्पैम नहीं हो सकता। तो वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, चैनल पर विजिट जरूर कीजिए।